रात बहुत हो गई है और ये रास्ता भी बहुत सुनसान है और यहाँ कोई भी मुझे नहीं दिख रहा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कब गाड़ी वाला आएगा या कब कोई रिक्शा नज़र आए तो मैं घर जा सकूँ। काश यहाँ पे कोई गाड़ी वाला या कोई मिल जाए। और मुझे बहुत डर लग रहा है, ये रास्ता भी बहुत सुनसान सा है। अरे ये लड़की तो कोई लग रहा है बहुत परेशान है और घर जाना चाहती है। लगता है ये रास्ता भटक गई है या इसको समझ नहीं आ रही कैसे घर जाना है। चलो मैं देखता हूँ और इसको रास्ता बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे लग रहा है ये डर रही है और इसको समझ नहीं आ रही और गाड़ी का भी कोई पता नहीं और इस टाइम रात के इस वक्त कोई रिक्शा भी यहाँ से नहीं मिलेगा। चलो मैं इसकी मदद करता हूँ। इतनी रात को तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो बेटा? मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। कोई गाड़ी नहीं, कोई रिक्शा नहीं, इस टाइम रात भी बहुत हो गई है, रास्ता भी बहुत सुनसान है। बेटा इस रात के इस वक्त तुम्हें पता भी है शायद वक्त बहुत हो चुका है और इस वक्त कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी ना कोई रिक्शा, तो तुम वक्त से पहले घर जाना चाहिए था। चले मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और तुम्हें घर पहुँचाता हूँ। बहुत शुक्रिया अंकल, आप अगर मुझे घर छोड़ के आएंगे। लेकिन अगर मेरे यहाँ कोई रिक्शे का या किसी चीज़ का अरेंज हो जाता तो मेरे लिए जाना बहुत आसान था। अच्छा बेटा चलो यहाँ से चलो, फिर मैं बताता हूँ आगे कोई शायद कोई रिक्शा मिल जाए। चलो अभी यहाँ से चलो बेटा, यहाँ गाड़ी आ जाएगी, तुम यहाँ इंतज़ार कर लो। बल्कि यहाँ इंतज़ार करते हैं, मुझे भी यहीं से आगे जाना है और जल्दी ही गाड़ी का अरेंज हो जाएगा या जल्द ही यहाँ रिक्शा भी कोई आ जाएगा तो हम उस पर बैठ के चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया अंकल, आपने मेरी मदद की। अगर आप ना होते तो शायद पता नहीं क्या हो जाता और मुझे रात को बहुत डर लग रहा था, लेकिन शुक्रिया आपने मेरी मदद की। हमें हर मुश्किल के वक्त एक दूसरे के काम आना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ बेटा, जब कभी एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़े तो हमें एक दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है।